प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम नारियल की चटनी और डोसा बनाएंगे। ये कैसे बनता है, किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। डोसा बनाने के लिए आइए सबसे पहले सामग्री बताते हैं। सामग्री में हमने ये उड़द की दाल ले लिया है, छिलका इसमें नहीं है, बगैर छिलके वाली है। इनको शाम के भिगो दिए थे, बढ़िया से फूल चुकी है और इनको अच्छी तरीके धुल कर थाली में ले लिए हैं। उसी तरीके चावल भी फुला दिए हैं रात में और सुबह अब बनाने जा रहे हैं। जैसे 2 कटोरी चावल है, 1 कटोरी उड़द की दाल है, 2 बड़े चम्मच चना की दाल है। चटनी बनाने के लिए ये नारियल लिए हैं, पानी वाला नारियल है। चटनी में ये नींबू का रस डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं, 2 हरी मिर्च, ये मेथी के दाने 1 चम्मच है, इस बेटर में डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने हैं चटनी में डालेंगे, ये काजू है, काजू भी चटनी में पड़ेगी, राई तड़का लगाने के लिए है, लाल तीखी मिर्च है, सूखी मिर्च है। डोसा की स्टफिंग बनाने के लिए ये उबले हुए आलू को हमने मैश कर लिए इस तरीके, हल्दी पाउडर है, चाट मसाला है, काश्मीरी मिर्च है। आइए सबसे पहले इनको पीस लेते हैं मिक्सी जार में। सबसे पहले मिक्सी जार में चावल डालेंगे थोड़ा करके, इनमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, सूखा हुआ है ये देखिए। इसी तरीके हम सभी चावल पीस लेते हैं पानी डालकर। पीस लिया है, अब चने की दाल पीस लेते हैं, इतना बचा लेते हैं नारियल की चटनी में डालने के लिए। ये मेथी के दाने हैं, ये भी बढ़िया से फूला हुआ है, इनको भी डाल देते हैं। अब उड़द की दाल डालेंगे, इनको भी पीस लेते हैं। ये देखिए बढ़िया से पीस चुका है, इनको भी निकाल लेते हैं चावल के पेस्ट में।
इसी तरीके सभी उड़द की दाल पीस लेते हैं। ये देखिए हमने चावल और उड़द की दाल, चने की दाल, मेथी दाने सभी पीस लिए हैं इसमें। इनको भी निकाल लेते हैं। अभी काफी बेटर गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे। इस तरीके जार को अच्छी तरीके धुलकर इसमें डाल देंगे। बेटर इस तरीके का बन के तैयार हो गया। ये देखिए जैसे डोसा बनता है उस तरीके का बेटर। इनको ढक के रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए ताकि बढ़िया से फूल जाए, और ऐसी जगह पे रखेंगे कि गरम बना रहे, गरम से ये जल्दी फूल जाएगा। इनको ढक के रख देते हैं 2-3 घंटे के लिए। आइए नारियल छील लेते हैं। इस तरीके हमने छील लिया, ये देखिए छिलका अलग। ये देखिए इससे बढ़िया चटनी बनेगी, कलर भी बढ़िया रहेगा। अभी इनको अच्छी तरीके धुल के चने की दाल के साथ इनको पीस लेते हैं मिक्सी जार में। गरी को अच्छी तरीके हमने धुल लिया। अब इनको इस तरीके पतले पीस में काट लेते हैं। गैस जला दिए, पैन रख दिए, पैन काफी गर्म हो चुका है। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ऑयल भी काफी गर्म हो चुका, मूंगफली के दाने डाल देते हैं। अब चने की दाल डाल देते हैं इसमें। दो से 3 मिनट हो चुके हैं, चने की दाल बढ़िया से भून चुका है और मूंगफली के दाने भी। अब गरी डाल देते हैं, इनको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। इनको भी बढ़िया से भून लिया है 2 मिनट तक। गैस फ्लेम बंद कर देते हैं। आइए इनको मिक्सी जार में पीस लेते हैं। एक बार में सभी नारियल नहीं पीसेंगे इसलिए कि जार छोटा है। अब इसमें डाल देते हैं हरा मिर्च, अदरक डाल देते हैं। थोड़ा इसमें पानी डाल देते हैं दोस्तों, नहीं तो सूखा रहेगा। अभी थोड़ा सूखा लग रहा है, इसमें थोड़ा पानी डालकर इनका बिल्कुल बारीक महीन पीसना है। इस तरीके हमने पीस लिया है, ये देखिए। आइए और भी पीस लेते हैं। ये देखिए चने की दाल और नारियल, मूंगफली दाने, ये नींबू का रस डाल रहे हैं। अगर आपके पास इमली हो तो इमली डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इनको भी पीस लेते हैं, थोड़ा पानी डाल देते हैं।
ये देखिए बड़े पिस चुका है, इनको भी निकाल लेते हैं। अब इनको तड़का लगा देते हैं। सबसे पहले गैस जलाते हैं, तड़का पैन रखते हैं। तड़का पैन काफी गर्म हो चुका है, अब ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल भी काफी गर्म हो चुका है, अब राई डाल देंगे एक चम्मच। राई चटकने लगा है, ये देखिए अंगारे टाइप। अब लाल सूखी मिर्च और कढ़ी पत्ता डाल देते हैं। आइए अब नारियल की चटनी में तड़का लगा देते हैं। आइए सबसे पहले गैस जलाते हैं, पैन रखेंगे, ऑयल डालेंगे। पैन काफी गर्म हो चुका है, एक चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक चुका है, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च इस तरीके काट देंगे। अगर आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और भी मिर्च डालिए। कड़ी पत्ता डाल देते हैं, कटी हुई प्याज डाल देंगे, इनको इस तरीके फ्राई करेंगे ताकि इसमें का कैप्सिकम खत्म हो जाए। गैस को मीडियम रख देंगे। प्याज का कलर काफी चेंज हो गया है, ये देखिए गोल्डन ब्राउन। अब मूंगफली के दाने डाल देते हैं, इनको भी थोड़ा भून लेते हैं। मूंगफली के दाने अच्छी तरीके भून चुके हैं, अब काजू डाल देते हैं, इनको भी 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। मैश किया हुआ आलू डाल देते हैं, इनको भी अच्छी तरीके भून लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। थोड़ा अमचूर पाउडर डाल देते हैं खट्टापन के लिए। इनको भी अच्छी तरीके मिलाएंगे। अच्छी तरीके हमने भून लिया, अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। आइए डोसा बनाते हैं। टिफिन हमारी तैयार हो गई बनके, ये देखिए। और जो मसाले आप पसंद करते हैं वो भी डाल दीजिए इसमें, पनीर भी डाल सकते हैं। इस समय जैसे कि देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है तो हर सामान उपस्थित नहीं रहता है, तो मेरे पास इस समय पनीर भी नहीं है, ये पनीर भी डाल देती। गैस को फ्लेम बंद कर देते हैं। ये हम गैस जला दिए,
तावे रख दिए, गैस को फ्लेम मीडियम कर देंगे। तब तक इनको फेंट लेते हैं बढ़िया से। 3-4 घंटे बढ़िया से फूल चुके हैं, ये देखिए। इसको और ऐसे इस तरीके मिला देते हैं। तवा काफी गर्म हो चुका है, अब इसमें ऑयल लगा देते हैं चारों तरफ। अब इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा। इनको इस तरीके कोस लेते हैं, तभी डोसा नहीं चिपकेगा। गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे इसलिए कि डोसा जलने ना पाए। किनारे के हिस्सों में थोड़ा ऑयल डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा स्टफिंग रखते हैं, हम छोटा बनाए हैं डोसा इस बार। आप छोटा बड़ा जिस आकार में आपको पसंद हो उस आकार में बनाइए। अब इनको पलट देते हैं, ये देखिए। इनको निकाल लेते हैं, इसी तरह से बना लेते हैं। स्टफिंग लगा दी है, इनको इस तरीके दबा भी दिए हैं। अब इनको मोड़ देते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया कलर डोसा बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके हम सभी डोसे बना लेते हैं, ये देखिए। इस तरीके बेटर डालेंगे, अब इनको फैलाएंगे, इस तरीके फैलाएंगे। जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम है। अब ऑयल डाल देते हैं थोड़ा किनारे के हिस्सों में ताकि बढ़िया से पक जाए। आप बिना नॉनस्टिक तवे में बना सकते हैं, ये देखिए। ये रोजाना रोटी बनने वाला तवा है। अब इसमें स्टफिंग रखेंगे, थोड़ा कलर चेंज होने देंगे तभी इनको मोड़ना है ताकि बढ़िया से पक जाए, सिक जाए। आइए अब इनको मोड़ देते हैं। ये देखिए किनारे के हिस्से में पता चल रहा है कि अब ये बढ़िया से पक चुका है। काफी गर्म है दोस्तों, ये देखिए। दोस्तों हमारा डोसा आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। वाओ सुपर। आइए अब नारियल की चटनी और सांभर के साथ डोसा को सर्व करते हैं। थोड़ा सलाद भी ले लिए हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए।
हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।